कोई ऐसा इंटरव्यू भी था जिसमें कोई खाना अच्छा नहीं था या कम खाना? एक्ट्रेसों के जो खाने होते हैं उसमें कम ही हमें खाना वो सर्व करते हैं, उसमें यूजुअली हम खुद ही अरेंज करते हैं। अच्छा, बाकी जो पॉलिटिशियन है वो तो बेचारे बड़ी खिदमत करते हैं। खिदमत करते हैं, अच्छा, इनका जो खाना होता है वो भी आप की तरफ से अरेंज होता है? कई दफा हमें करना पड़ता है। अच्छा, अगर वो ना करें तो फिर जाहिर है हमें ही करना होता है। बीच में इंटरव्यू में तो सारा खाना तो खाना पड़ता है। उसमें कोई याद है आपको कि कौन सी एक्ट्रेस को जहाँ पे आपने? मुनासिब नहीं है नाम लेना, वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक्ट्रेसों में रिवाज नहीं है खाना देने का, बहुत कम में रिवाज है। और पॉलिटिशियन, ये क्रिकेटर्स वगैरह? नहीं, क्रिकेटर्स ख्याल करते हैं, क्रिकेटर्स ख्याल करते हैं, बाकी सारे तबके ख्याल करते हैं। असल में एक्ट्रेसेस जो है ना वो उनका अंदाज ही मुख्तलिफ है, उनके पास जो रिपोर्टर भी जाते हैं वो भी और तरह से बेचारे घंटों वेट करते हैं, ठीक है, जबकि पॉलिटिशियन बेचारे तो आपके जाने से पहले तैयार होकर बैठे होते हैं, ये फर्क है। और ये जो एक्ट्रेसेस वगैरह ये सब चार्ज भी करती हैं या आप कुछ इंटरव्यू आपको फ्री में? नहीं, हम तो अपने प्रोग्राम में नहीं देते हैं। मेरा ख्याल है कोई एक दफा दिया किसी को, वो भी कोई मजबूरी थी। अच्छा, तो अदरवाइज नहीं, हम अपने प्रोग्राम ही इतना बड़ा है, ऑलरेडी इतना बड़ा अपने प्रोग्राम में नहीं देते, लेकिन हमारे कई प्रोग्रामों में शायद दिया भी जाता है, लेकिन नॉट इन एक दिन जियो के साथ, कोई हमारा बजट नहीं है। अच्छा, आपके एक दिन जियो के साथ का कोई बजट नहीं है इस हवाले से? अच्छा, कोई ऐसा गेस्ट जिसमें टाइम लेने में बहुत मुश्किल हुई हो या वो बड़ी मुश्किल से आपका हुआ हो? नहीं, हो जाता है इस तरह, कई दफा जेन्युइन भी लोगों की मजबूरियां होती हैं, कई दफा कई लोग कुतराते भी हैं कि हमने नहीं देना, ठीक है, तो लेकिन हम लगे रहते हैं, फिर कभी ना कभी काबू आ जाता है। और कोई ऐसा इंटरव्यू भी जिसमें आप बददिल होके गए हो, आपका दिल ना हो इंटरव्यू पे लेकिन टीम ने अरेंज किया हो कि ये? वो कई दफा इस बात पर हो जाता है कि पहले ही हम ये तय कर लेते हैं किसका करना है किसका नहीं करना, ठीक है, उसकी वजह यह है कि फिर अगर अच्छे उस लेवल की पर्सनैलिटी ना हो तो फिर दुख देखते भी नहीं है, तो इसलिए ऐसा शख्स ही चुनते हैं जिसको लोग देखें जिसमें कोई इंटरेस्ट हो। सर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू बड़ा मजा आया, और मेरे लिए बड़ा मजा आया, मैं खुद आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इंटरव्यू क्योंकि आपको मैं देखता रहता हूँ ऑन नेट और देखता रहता हूँ कि आप लोगों से बड़े खुश असलूबी से खुश दिली से हंसते हंसते सारी बातें कर लेते हैं, तो माशाल्लाह बड़ी खुशी। मेरे लिए तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, और आज मुझे काफी मुश्किल भी रही है इंटरव्यू करने में, मैं सवाल भी सही थे, जाहिर बात है आप उस्तादों के उस्ताद के सामने बैठे हैं तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी बड़ा मजा आया। लास्ट पे आप कोई पैगाम देना चाहें हमारी ऑडियंस के? देखिए, सब पैगाम यही है कि जो अभी इस वक्त बड़ा मायूसी के दिन है, हमारी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान इससे निकले और हम एक ऐसे आइडियल जमहूरी मुआशरे की तरफ जाए जहाँ सब लोगों को हकूक हो और आजादी इजहार हो, तरक्की हो, बच्चों के लिए मौके हो, बस यही दुआ है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।